अभिव्यक्ति एक बहुत ही सरल, सुंदर और कमाल का शब्द है। जब एक कवि अपनी कल्पना शक्ति से अपने भावों को, अपने विचारों को शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करता है, तो मुझे लगता है उसको उस वक्त खुद भी पता नहीं होता कि श्रोतागण यानी कि आप और मैं, उसको सुनने वाले, उसको पढ़ने वाले, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। हम सभी का शब्दों के साथ अपना एक निजी संबंध है। जब मैं गीत चतुर्वेदी जी की कोई रचना पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ के हंसता भी हूँ, मैं गुस्सा भी होता हूँ, मैं खुश भी होता हूँ, मैं रोता भी हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे उनके शब्द और मैं आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। अपनी एक ऐसी ही अभिव्यक्ति मैं आपसे आज साझा करना चाहता हूँ। प्रस्तुत है गीत चतुर्वेदी जी द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है रूठी हुई। धागों से जख्म देती और खंजर से सिलती है। वो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे किसी गलत कब्र पर फूल रखती है, जबकि मैं उससे कहता हूं तुम्हारे बिना मैं उतना ही अकेला हूं जितना एक पैर की चप्पल। तुमसे दूरी एक छोटे आकार का शहर है जिसकी हर गली में मेरे कदमों के निशान है। मेरा प्यार एक बड़े आकार का शहर जिसके कई हिस्सों से तुम अब भी अपरिचित हो। जानता हूं तुम्हारी ये नाराजगी अभी मिट जाएगी, मुझे ईश्वर पर नहीं प्रेम पर भरोसा है। और वो प्रेम ही क्या जिसमें ईश्वर ना हो। अलमारी से किताब निकालती हुर्र से कहती है चलो हटो लबार, मुझे अभी बहुत से काम है, और मुंह फेर कर चोरी चोरी हंसती है।